नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और हर बार की तरह एक बार फिर हाजिर हूं मैं खास शो लेकर चार का चक्रव्यूह, जहां बात होगी चार बड़ी खबरों की। तो करते हैं शुरुआत चार तस्वीरों के साथ। चार तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। बता दें, पहली बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर 7 महीने बाद पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे और कई करोड़ की सौगात जनता को उन्होंने दी। वहीं दूसरी बड़ी खबर, यूपी में जनसंख्या कानून से जुड़ी हुई होगी, पूरी खबर क्या होगी विस्तार से आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर कांवड़ यात्रा को लेकर है। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं चौथी बड़ी खबर बिहार से है, जहां बाढ़ ने पूरी तरह से तबाही मचाई हुई है। तो चलिए सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 महीने के बाद यूपी में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी काशी की तरह यूपी के किसी न किसी जिले में हर महीने दौरा कर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसे 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी के लिए यूपी काफी राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि सियासी एजेंडे के तौर पर भी काफी अहम है। यूपी की सत्ता को बरकरार रखने के लिए पीएम मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और सौगातों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए रखना चाहते हैं। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के दौरान योगी सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य भी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को यूपी ने बहुत अच्छी तरह संभाला है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पीएम पहली बार आज काशी के दौरे पर पहुंचे और करीब 5 घंटे वहां रुके। इन 5 घंटों में पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें दी, जिनमें 736 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 417 करोड़ की लागत करीब 84 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इन सौगातों में 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन है। बता दें, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर महादेव को प्रिय रुद्राक्ष की तर्ज पर बना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 33 किलोमीटर की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का उद्घाटन भी किया। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम ने किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है, वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है।
बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स, 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। काशी की मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। पंचकोशी मार्ग का चौड़ीकरण पूरा होने से श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी और इस मार्ग पर पड़ने वाले दर्जनों गांवों का जीवन भी आसान बनेगा। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर जो सेतु है उसके खुलने से वाराणसी के अलावा प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और बिहार आने जाने वालों को भी बहुत आसानी होगी। गौदौलिया में मल्टी लेवल टू व्हीलर पार्किंग बनने से कितनी किचकिच कम होगी ये बनारस के लोगों को भली भांति पता है। वहीं लहरतारा से चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग से लेकर दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बनारस की, यूपी की किसी भी बहन को, किसी भी परिवार को शुद्ध जल के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए हर घर जल अभियान पर भी तेजी से काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर एक कानून लाने जा रही है, जिसके तहत दो से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्तियों को स्थानीय चुनाव लड़ने, प्रमोशन और सरकारी छूट पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि यदि इस आधार पर राज्य के बीजेपी विधायकों का मूल्यांकन किया जाएगा तो इनके 50% विधायक इस कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाएंगे। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा दी गई एक जानकारी के मुताबिक 304 बीजेपी विधायकों समेत 397 विधायकों जिनकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई है उनमें से 152 बीजेपी विधायकों के 3 या इससे ज्यादा बच्चे हैं। इसमें से एक विधायक के 8 बच्चे हैं जो कि इस सूची में सर्वाधिक है। वहीं एक अन्य विधायक के 7 बच्चे हैं। इनके अलावा 8 विधायक ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं जबकि 15 विधायकों के 5 बच्चे हैं। इसी तरह राज्य में बीजेपी के 44 विधायकों के 4 बच्चे और 83 विधायकों के 3 बच्चे हैं। यदि योगी सरकार के प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून को इन पर लागू किया जाता है तो ये सभी अयोग्य साबित होंगे। वहीं लोकसभा की दृष्टि से एक विरोधाभ्यास से ये भी भोजपुरी फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन को जनसंख्या नियंत्रण कानून 2019 को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है जबकि खुद उनके 4 बच्चे हैं। वैसे ये प्राइवेट मेंबर बिल है और सत्ता के समर्थन के बिना इसे पारित नहीं कराया जा सकेगा। यूपी की तरह ही रवि किशन का विधेयक भी 2 से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्तियों को तमाम सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि लोकसभा वेबसाइट के मुताबिक 168 मौजूदा सांसदों में से जिनमें से 105 बीजेपी के हैं उनके 3 या इससे ज्यादा बच्चे हैं।
पिछले साल दिसंबर में एक याचिका के जवाब में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कई जन्म नियंत्रण तरीके अपनाने के चलते भारत 2.1 प्रजनन दर प्राप्त करने की कगार पर है। केंद्र ने कहा था कि चीन जैसी जनसंख्या नियंत्रण कानून को अपनाना सही साबित होगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने विधेयक का प्रारूप भी तैयार किया है। आयोग ने ये प्रारूप अपनी सरकारी वेबसाइट पर अपलोड भी किया है और 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय भी मांगी है। वहीं बीजेपी की प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं भाजपा प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ बोल रही हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून एक ऐसा कानून है जिसे बहुत पहले ही लागू कर देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल राज किया लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा वोट बैंक की राजनीति में ही उलझे रहे, इसलिए उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को कभी लागू नहीं पारित नहीं होने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। अगर ऐसा किया होता तो धारा 370 जो है उसे कभी भारतीय जनता पार्टी हटाती नहीं। उसे हटाया गया क्योंकि वोट बैंक की राजनीति नहीं की, हम जनता की राजनीति करते हैं कि जनता क्या चाहती है उसका हमें सबसे विशेष ध्यान होता है। यही मद्देनजर रखते हुए हमने धारा 370 हटाई और उसके बाद लोगों ने कहा ये नंगी तारे हैं बिजली की, इसको जो हाथ लगाएगा वो जल जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई बात नहीं, एक बार हम हाथ लगा के देख ही लेते हैं फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जनता के हित के लिए कदम जब भी उठाए जाते हैं तो अपोजिशन पार्टियां मिलकर एक होके इसका विरोध हमेशा ही करती हैं, और चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो चाहे तृणमूल हो चाहे ये अपना सपा हो बसपा, ये बहुत सारी पार्टियां जो हैं ये हमेशा इसका विरोध करती है। अच्छे काम के लिए हमेशा विरोध किया ही जाता है और हम इसके लिए तैयार रहते ही है कि हमें पता है कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम जनता की राजनीति करते हैं, कि जनता के हित की राजनीति करते हैं। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जनसंख्या नियंत्रण कानून पास करवाना चाहते हैं लाना चाहते हैं उसमें पहले कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो नहीं पारित सीधा कर दिया जाएगा, जनता के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है, एक मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसमें जनता को से पूछा जा रहा है, राय ली जा रही है कि आप बताइए कि इसमें क्या किया जाए, एक लेखा जोखा बनाया जा रहा है कि कैसे सरकारी नौकरियों में उनको जिनके दो बच्चे उनको लाभान्वित किया जाए, कैसे बिजली के बिल में उनको कटौती मतलब उनको कम बिल करा जाए, उनको वहां पे बेनिफिट हो, कैसे पानी के बिल में उनको बेनिफिट दिया जाए, किसी भी तरीके से जो सरकारी बेनिफिट है जो लोग दो बच्चे करते हैं उनको उसका कैसे लाभ उठाया जा सकता है ताकि लोग प्रेरित हो और दो ही बच्चे करें, जनसंख्या पे ऐसे ही नियंत्रण किया जाएगा। तो यहाँ जो है मुझे लगता है जो मसौदा तैयार किया जा रहा है बहुत अच्छा इनिशिएट है और इसको एप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। जो भी पार्टियां हैं विपक्ष पार्टियों का काम ही विरोध करना है, जनता विरोध नहीं कर रही, जनता से विचार विमर्श करके ये किया जा रहा है। तो जनता चाहती है कि जनसंख्या पे नियंत्रण पे कानून बनाया जाए और इसलिए जनता साथ खड़ी है। विपक्ष पार्टी को काम तो विरोध करना है, वो करते रहेंगे तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा को इजाजत दिए जाने के योगी सरकार के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है जिस पर कल यानी कि 16 जुलाई को सुनवाई होगी। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि योगी सरकार निर्णय बदलेगी या यात्रा के लिए कोर्ट में तर्क रखेगी, लेकिन योगी सरकार ने जिस तरह से स्टैंड लिया है उससे लगता है कि कांवड़ यात्रा रोकने के मूड में सरकार बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट यात्रा पर रोक लगाती है तो इसका सियासी लाभ भी बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा। बता दें कोरोना संक्रमण के चलते पिछले बार भी कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन इतना हल्ला भी नहीं किया गया था, न सरकार ने जिद की न हिंदू संगठनों ने कोई एतराज जताया था। लेकिन इस बार यूपी में 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और योगी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे से किसी तरह का समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि सरकार कांवड़ यात्रा पर अड़ी हुई है, क्योंकि हिंदुत्व एजेंडे में कांवड़ यात्रा का रोल बहुत अहम है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने कुंभ से सबक लेते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगा रखी है, लेकिन यूपी सरकार ने तो बकायदा बैठक कर 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दिखा रखी है। वहीं अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद योगी सरकार अभी तक अपने फैसले पर कायम है।
माना जा रहा है कि सरकार कोर्ट में 16 जुलाई को कावड़ यात्रा के पक्ष में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने की कवायद कर रही है। ऐसे में साफ जाहिर है कि योगी सरकार कावड़ यात्रा को लेकर अपने कदम पीछे खींचने के मूड में नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि कावड़ संगठनों से बात कर कावड़ यात्रा से जुड़ी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हर साल की तरह इस साल भी 25 जुलाई से प्रदेश में कावड़ यात्रा शुरू की जाएगी। साथ ही हम सुनिश्चित करेंगे कि कोविड नियमों का पालन हो और लोगों की आस्था का भी ध्यान रखा जाए। वहीं समाजवादी पार्टी कावड़ यात्रा का खुलकर विरोध नहीं कर रही, बल्कि लोगों की सुरक्षा का जरूर तर्क देते हुए अपना पक्ष रख रही है। सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि राज्य की किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि किसी भी नागरिक की स्वास्थ्य और सुरक्षा में कोई भी चूक न हो। दरअसल सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। उत्तराखंड में गौमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, बिजनौर के अलावा दूसरे राज्यों जिनमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक भी कांवड़िए अपने गंतव्य को जाते हैं। ये बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के लिहाज से काफी अहम है, इसीलिए योगी सरकार ने सत्ता में आते ही कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए थे और उनके सेवा सत्कार के लिए काफी व्यवस्था भी की थी। लेकिन कल होने वाली सुनवाई में क्या होगा, ये देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा की मंजूरी देना एक धार्मिक कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को यह कहते हुए मंजूरी दी है कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल को का पालन किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना सघन दौरा करके व्यवस्थाओं को एकदम चुस्त दुरुस्त करते हुए कोरोना को भगाने का काम 23 करोड़ जनता के बीच से किया, जांच करने में अव्वल हम लोग कोरोना को भगा चुके हैं। लेकिन डर अभी भी है कि तीसरी लहर आ सकती है और अभी कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, इसलिए वहां पर कोरोना की जो व्यवस्थाएं हैं, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए कांवड़ यात्रा की व्यवस्था की गई है। मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने संज्ञान में लिया है, उसकी सुनवाई हो रही है, तो इस विषय पर ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इस धार्मिक यात्रा को होने देते हैं या नहीं होने देते हैं। जो स्वतः संज्ञान लेकर बेहतर निर्णय भी कर सकती है, लेकिन ये धार्मिक यात्रा अगर उत्तर प्रदेश में हो रही है तो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कि कोरोना का जो भी नियम कानून है उसको मानते हुए इसको आगे बढ़ाया जाए। देश के कई राज्यों समेत बिहार में भी बारिश इस समय हो रही है, जिसने सड़कों को बेजान बना दिया है। बिहार के मोतिहारी में देखते ही देखते सड़क पानी में समा गई। जिस सड़क ने जल समाधि ली वो मोतिहारी को पकड़ी दयाल और मधुबन से जोड़ने वाली सड़क थी, जो चंद सेकंड में बारिश के पानी से बह गई। इसके अलावा बिहार का मोतिहारी इलाका बाढ़ की पूरी तरह से चपेट में आ चुका है। आसपास के 50 गांव चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, टापू बने हुए हैं। मोतिहारी जिले में रहने वाले लोग पानी की निकासी न होने का खामियाजा भुगत रहे हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दरअसल पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश और नेपाल से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से यूपी बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत 11 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ की छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। पिछले महीने गंडक नदी में नेपाल से 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। सबसे ज्यादा कोसी और गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अचानक नदियों में पानी आने से लोग भयभीत हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर ठहराव किए हुए हैं। हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए तो कई मजबूरन निचले इलाकों में ही ठहरे हुए हैं। पूर्वी चंपारण से निकलने वाली बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दरभंगा, मोतिहारी में तो कई इमारतें पानी में समा चुकी हैं।
बता दें कि मोतिहारी के 12 प्रखंड की करीब 6 लाख आबादी बाढ़ से समय प्रभावित है। वहीं मोतिहारी नगर निगम के 10 वार्ड बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जिले के तेतरिया और महसी ब्लॉक बाढ़ की चपेट में आने से प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो गया है। सुगोली में जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पंजरिया ब्लॉक के 13 पंचायतों का भी ब्लॉक मुख्यालय से सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। वहीं बिहार के लोग कितने परेशान हैं इस बाढ़ से, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरा नाम डोमी प्रसाद सिंह। सड़क पे धान रुपाई कर रहे हैं। धान रुपाई कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा एटीएम है। ये एनएच 106 करजन बाजार की है। हाँ, ये एनएच 106 करजन बाजार का है। यहाँ पर हमारा एटीएम है, मोबाइल का दुकान है, पतंजलि का दुकान है, ये सारा बंद है। 5 महीना से ये रोड वाला कंपनी जो है ठेकेदार, ये आश्वासन देता है और चला जाता है। बस गड्ढा खोदता है, उठा करके ले गया, यहाँ पानी लगा हुआ है। देखिए, जब भी हम लोग कहते हैं तो आता है मशीन लेकर के, हवा लेकर के मिट्टी उठा लेता है, चाहे ट्रक चला जाता है, गड्ढा बना करके रख दिया, पूरा मार्केट को नर्क बना दिया है। आप लोग धान रुपाई कर रहे हैं, हम लोग आखिर करेंगे क्या? सड़क कंपनी के विरुद्ध में, सड़क कंपनी और सरकार दोनों का निष्क्रिय काम है, दोनों लापरवाही कर रहा है। सड़क कंपनी और सरकार दोनों का ही वही हालत है, बुरा हाल है जी। पानी किस तरह से बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है पानी, अभी हमारे सके तो बचने की उम्मीदें नहीं है। घर में पानी घुस, घर में घुसा हुआ है पानी। सहयोग कहीं से कुछ अभी कहूँ नहीं आया है सर। सीओ साहब के कहे, बीडीओ साहब कहे, हर आदमी कहे, मगर अभी तक कब आया पानी? रात को 3 बजे से। बाद में इस तरह की स्थिति में तो यहाँ जान माल की 40-50 गाँव का इतिहास से संपर्क टूट जाता है। यहाँ खाने के लिए पशु चारा से लेके इंसान को निकलने तक का व्यवस्था नहीं है। बल से हम लोग परेशान हैं। सीओ साहब से संपर्क करने के लिए, सीओ साहब से एक बार संपर्क हुआ, सर 50 बार संपर्क करना चाहे सीओ साहब से कोई संपर्क नहीं। हर साल ऐसी स्थिति है, हर तकरीबन यहाँ 2500 साल से यह स्थिति बनी हुई है। चाचा, अभी बाढ़ आया हुआ है तो आपको जो है कुछ राहत कोष से कुछ राहत मिला है? कुछ खाने पीने की सामग्री? अगर आपका कोई बीमार पड़ जाता है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? मर जाएगा, मर जाएगा। चाचा, आपका मकान कहाँ हुआ? मकान बगले में हुआ, रघौली। रघौली, तो आपके जो विधायक और सांसद हैं इस टाइम में, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम जो है अपने गांव, अपने क्षेत्र के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या उम्मीद है? आपके विधायक ने हरिभूषण ठाकुर बचौल इस टाइम में आपके विधायक है, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं? वो अपने घर में कमरा में अभी बंद है। रघौली की स्थिति क्या है बाढ़ में? रघौली का स्थिति पानी आपके यहाँ अगर इस हालत में अगर कोई घर जो है पानी हमरे हमसे 3 फीट ऊंचा पानी हमरे घर में आने जाने में है। तो आप विधायक जी से आपने कहा नहीं? एक नाव नहीं है, एक नाव नहीं है, एक नाव भी नहीं है। जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है कि रघौली गांव में सारी फैसिलिटी मौजूद है, सारी उपलब्धता मौजूद है, वहाँ पे किसी तरीका का कोई दिक्कत नहीं है, विधायक जी सारा चीज दे रहे हैं, खाने का व्यवस्था कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 4 का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।